गर्भवती होना हर एक महिला के जीवन का सबसे सुखद व रोमांचक पलों में से एक माना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसलिए गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान संतुलित व पौष्टिक आहार के तौर पे हरी सब्जी व फलों का सेवन अधिक मात्रा में करने की सलाह दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के जरिए बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग पोमोग्रेनेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को अनार खाने के फायदे, और साथ ही फ्रेंड्स वीडियो के अंत में कुछ ऐसे फल और कुछ ऐसे चीजें के बारे में बताएंगे जिससे आपका बेबी गोरा होने के साथ साथ अन्य बच्चे के तुलना में आपके बेबी का माइंड काफी तेज होगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पौष्टिक तत्वों से भरपूर अनार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो गर्भवती महिला के साथ साथ गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिए भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, और वो है अनार। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं कि गर्भावस्था में अनार अगर गर्भवती महिला सेवन करती हैं, तो कौन कौन से फायदे मिलेंगे, प्रेगनेंसी में अनार व अनार का जूस का सेवन कब कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करनी चाहिए, और साथ ही गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि अनार खाने से भरपूर मात्रा में फायदे मिल सके। फ्रेंड्स, अनार में कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अनार में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फॉलिक एसिड, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के दौरान अनार का रेगुलर सेवन करती हैं, तो यह गर्भ में पल रहे शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास में बेहतर मदद करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं प्रेगनेंसी में अनार खाने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे महिलाओं को आयरन की कमी होने के कारण एनीमिया की समस्या हो जाती है, जिस कारण डिलीवरी के समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही गर्भ में शिशु के विकास पर भी असर पड़ता है। अनार में आयरन की मात्रा बहुत अधिक पाए जाते हैं, जो गर्भवती महिला को शरीर में हेमोग्लोबिन की स्तर को बढ़ा देता है और आयरन की कमी को पूरा करके एनीमिया को ठीक करने में मदद करता है। अगर गर्भवती महिला फर्स्ट मंथ से लेकर 8 मंथ तक रेगुलर अनार का सेवन करती हैं, तो डिलीवरी के समय अधिक परेशानी नहीं होगी और गर्भ में शिशु का विकास भी बेहतर तरीके से होगा। फ्रेंड्स, अगला है, फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी के कारण डिलीवरी के समय बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और कई मामलों में खून की कमी के कारण डॉक्टर को सीजेरियन करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप अनार का सेवन करती हैं, तो आपको शरीर में खून की कमी दूर होती है और डिलीवरी के समय नॉर्मल डिलीवरी की चांस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, अनार केवल गर्भवती महिला को ही नहीं, गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। अनार में कई एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क के विकास में मदद करता है, और इसमें मौजूद फॉलेट गर्भ में पल रहे शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे शिशु जन्म के साथ होने वाले बीमारियों से सुरक्षित रहता है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान मिनरल्स पोटेशियम की कमी होने के कारण गर्भवती महिला को ऐंठन की समस्या होने लगते हैं। अगर गर्भवती महिला रोज अनार का जूस पीती है, तो शरीर में पोटेशियम की कमी नहीं होगी और प्रेगनेंसी में होने वाले ऐंठन से राहत मिलेगा। अनार में विटामिन के की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, जो प्रेग्नेंट महिला को हड्डी को मजबूत बनाता है, साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु के भी हड्डियों का विकास भी बहुत अच्छे से हो पाता है। अनार में मौजूद पोटेशियम महिला के मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर अनार खाने की सलाह देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी थे प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को अनार खाने के फायदे के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फल हैं जिन्हें अगर गर्भवती महिला पूरी प्रेगनेंसी के दौरान सेवन करती हैं, तो उनका बेबी गोरा होने के साथ साथ बुद्धिमान पैदा भी होगा, जानना बहुत ही खास है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं सबसे पहले वह कौन सा फल है। सबसे पहला है कोकोनट, यानी कि नारियल।
ऐसा माना जाता है कि नारियल पानी या नारियल खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है। इसलिए आप आज से ही नारियल को सीमित मात्रा में खाना शुरू करें। नारियल खाने और नारियल का पानी पीने से बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि इसके पानी से आपके शरीर का हाइड्रोजन लेवल बेहतर होता है और आपको जरूरी इलेक्ट्रोलाइट मिलते रहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे महिलाओं का यह सवाल होता है कि प्रेगनेंसी के किस महीने से नारियल पानी पीना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 से 4 महीने तक नारियल पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके गर्भ में पल रहे शिशु के नए नए अंगों का विकास हो रहा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला अगर नारियल पानी पीती हैं तो उनको कमजोरी दूर हो जाता है और उनका होने वाला बेबी 100% हेल्दी होने के साथ साथ गोरा भी पैदा होता है। मिल्क यानी कि दूध, आपको आशंका है कि आपका होने वाला बेबी सांवला होगा तो आप अपने प्रेगनेंसी डाइट में दूध पीना शुरू कर दें। दूध में अनेकों तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु का विकास सही तरीके से होता है और गर्भावस्था में आपको रात में सोने से पहले 1 ग्लास गुनगुना गर्म दूध पीना चाहिए। गर्म दूध पीने से रात में नींद भी अच्छी आती है और बेबी को हेल्दी गोरा बनाने में बेहतरीन काम करता है। अगला है केसर सेफ्रॉन मिल्क। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग केसर वाले दूध के बारे में सुना होगा। रोजाना केसर की थोड़ी सी मात्रा 1 ग्लास दूध के साथ उबाल कर पीजिए। ऐसा माना जाता है कि केसर में कुछ विशेष गुण होते हैं, माँ और बच्चे के रंग को गोरा बनाने में सक्षम होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है कि आप केसर का उपयोग करते समय आप अधिक मात्रा में प्रयोग ना करें, क्योंकि केसर गर्म होता है, इसलिए प्रेगनेंसी के 5वें महीने से ही पीना शुरू करें। केसर की अधिक मात्रा पीने से गर्भपात का खतरा हो सकता है, इसलिए आप 1 ग्लास दूध में 3 से 4 रेसे का प्रयोग करें, यह आपके लिए स्वस्थ होगा। अगला है कोको। तो फ्रेंड्स, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें, ताकि जैसे ही इस पर कोई नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।